वेलकम टू खान ऑफिशियल आर्ट। ये वीडियोस बिगनर सीरीज का नेक्स्ट पार्ट क्लास 7 है। सबसे पहले पेंटिंग शुरू करने से पहले आप उसकी ज़रूरी चीज़ें ले लें, जैसे कि मैंने ब्रश नंबर 0 यूज़ किया है सुपर गोल्ड का, और लीफ बनाने के लिए मैंने डार्क ग्रीन कलर और लाइट ग्रीन कलर यूज़ किया है, और लेमन येलो कलर। मुझे मेरा ग्रीन कलर सूखा लग रहा था तो मैंने उसमें मीडियम मिला लिया है। आपको जिस भी कंपनी का मिले आप ले लीजिएगा। ग्रीन कलर में मैंने मीडियम मिला के उसको मिक्स कर दिया है। हमारा कलर ना ज़्यादा थिक हो ना ज़्यादा थिन। अब हम अपनी पेंटिंग को स्टार्ट करेंगे। लेमन येलो कलर लिया है। ग्रीन कलर हम लेंगे डार्क ग्रीन कलर, उसे हम डंठल बनाएंगे। और पहले हम लीफ को आउटलाइन कर लेंगे, उससे जो हमारी लीफ रहेगी वो थोड़ी फ्रेश होती है, पेंट इधर उधर नहीं लगता है। उसके बाद डार्क सैप ग्रीन कलर हम नीचे की तरफ लगाएंगे। और ऊपर की तरफ बिल्कुल ऊपर येलो कलर लगाएंगे। उसके बाद जो लाइट ग्रीन कलर है उसको हम बीच में लगाएंगे। अभी हम येलो कलर को मिक्स कर लें। येलो कलर को नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ लाएंगे। उसके बाद बीच में हम जो लाइट ग्रीन कलर है उसको लगा के ब्लेंड कर देंगे। देखिए मैं बीच में लगा के ब्लेंड कर रही हूँ। बिल्कुल धीरे धीरे हम बनाएंगे। इसी तरीके से हम अपनी और भी लीफ को ऐसे ही बना लेंगे। सेम यही प्रोसेस रहेगा। नीचे की तरफ डार्क साइप ग्रीन कलर लगाएंगे और बीच में लाइट साइप ग्रीन कलर, और ऊपर हम येलो कलर लगा के उसको ब्लेंड कर देंगे। अगर आपको शौक है और आप पहले कभी पेंटिंग नहीं सीखे हैं तो आप मेरी वीडियोस को फुल वॉच किया करें, यह आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। अब हम फ्लावर पेंट करेंगे, जिसके लिए मैंने दो कलर यूज़ किया, रेड कलर और वाइट कलर। तो सबसे पहले हम वाइट कलर लगाएंगे, जो पेटल है वन साइड हम वाइट कलर लगाएंगे और वन साइड हम रेड कलर लगाएंगे। और इसको मिक्स कर देंगे। उसके बाद हम रेड कलर से वाइट कलर की तरफ आएंगे ब्लेंड करते हुए और अपने ब्रश को थोड़ा घुमाते हुए। तो ये थ्री कलर में बदल जाएगा, वाइट कलर और पिंक कलर और रेड कलर, जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा है, आप देख ही रहे होंगे।
इसी तरीके से हम अपनी सारी पेटल को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए मैं आपको दूसरे भी पेटल करके बता रही हूँ। वन साइड उसी तरीके से हम व्हाइट कलर लगा लेंगे और वन साइड रेड कलर। देखिए हमारी पेटल कंप्लीट हो चुकी है। इसी तरीके से हम अपनी सारी पेटल को बना लेंगे। मैंने सारी क्लासेस की प्लेलिस्ट बना दी है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। आई होप कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, अगर नहीं किया है तो जल्दी से कर दें। और नोटिफिकेशन बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। देखिए हमारा रोज बनकर तैयार हो गया। अब हम इसको व्हाइट कलर से आउटलाइन कर देंगे जिससे कि हमारा जो फ्लावर है वो और खिला खिला नजर आएगा। आउटलाइन करने से हमारी पेंटिंग एकदम फ्रेश दिखने लगती है, इसका कलर इधर उधर नहीं लगता है। लीफ में हम ब्लैक कलर से नट्स डाल देंगे। अब जो सेकेंड रोज है उसको करने के लिए मैंने दो कलर यूज किया है, पर्पल कलर और वाइट कलर। जिस तरीके से मैंने ये वाला रेड वाला रोज कलर किया था, सेम उसी तरीके से मैंने ये रोज भी कलर किया है। वन साइड वाइट कलर लगाया है, वन साइड पर्पल कलर, और उसको मिक्स कर दिया है। फिर उसके बाद वाइट कलर से इसको आउटलाइन कर दिया है।
देखिए हमारा रोज़ कितना खूबसूरत लग रहा है। उसके बाद जो कली है इसको भी मैंने पर्पल कलर और वाइट कलर से बनाया है। थर्ड फ्लावर जो है उसके लिए मैंने ऑरेंज कलर और वाइट कलर यूज़ किया है। इसमें मैंने कई कलर यूज़ किया है जिससे कि मेरी पेंटिंग्स और ये जिस सूट पे मैं कर रही हूँ ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। आप ज़रूर ट्राई करिएगा। उसी तरीके से मैंने ये भी फ्लावर को कलर किया है। जब भी आप पेंटिंग करें तो वीडियोस को देख करके पेंटिंग करें तो आपकी पेंटिंग और भी अच्छी बनेगी। देखिए हमारी पेंटिंग कंप्लीट हो चुकी है और देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।